वेलकम टू सक्सेस मंत्रा एजुकेशन। और आज हम पढ़ेंगे ऑस्कर अवार्ड 2018 जो आपके हुए हैं, उनके इम्पॉर्टेंट कैटेगरी के विनर जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। तो आप सभी जानते हैं जो ऑस्कर अवार्ड है उसे एकेडमी अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। हर साल अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर 24 कैटेगरी के अंदर इस अवार्ड को दिया जाता है। और हर साल इस अवार्ड को किसके द्वारा दिया जाता है? एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस के द्वारा, यानी कि AMPAS। और जो ट्रॉफी इसके अंदर जो दी जाती है उसको बोला जाता है एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है, निकनेम आप बोल सकते हो, सॉरी, ऑस्कर। तो आप सभी जानते हैं जो पहला ऑस्कर अवार्ड था वो वर्ष 1929 के अंदर हॉलीवुड रूजवेल्ट होटल के अंदर दिया गया था। और जो ये स्कल्पचर है ऑस्कर का, इसके जो क्रिएटर कहे जाते हैं वो है जॉर्ज स्टैनले। तो चलिए मूव करते हैं हम अभी जो 90वें एकेडमी अवार्ड सेरेमनी जो हुई है वो कहां पर हुई है? वो हुई है आपकी डॉल्बी थिएटर हॉलीवुड के अंदर, जो कि है लॉस एंजेलिस कैलिफोर्निया में। तो चलिए बात करते हैं हम वेरियस कैटेगरी कीज और उनके विनर की। तो यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे बेस्ट पिक्चर की। देखिए बेस्ट पिक्चर के जो नॉमिनीज रहे थे वो थे शेप ऑफ वाटर, कॉल मी बाय योर नेम, डार्केस्ट आवर, डंकीर्क, गेट आउट, लेडी बर्ड, फैंटम थ्रेड, द पोस्ट, थ्री बिलबोर्ड्स आउटसाइड एबिंग मिसौरी। तो ये टोटल 9 फिल्म नॉमिनेट हुई थी बेस्ट पिक्चर के लिए। तो इसमें से सबसे बेस्ट पिक्चर चुनी गई है उसके बारे में यहां पर थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि एक अलीसा नाम की लड़की होती है जो 1962 में बाल्टीमोर की एक कॉन्फिडेंशियल, काफी मिस्टीरियस और सीक्रेट गवर्नमेंट लेबोरेटरी के अंदर काम करती है। एक दिन उसका जीवन बदल जाता है जब उसे पता चलता है कि उस लैब के अंदर जो साइंटिस्ट है या गवर्नमेंट है उनके द्वारा एक क्रिएचर को छुपाया गया होता है, ठीक है। तो वो उस क्रिएचर से जो पानी के अंदर रहता है उससे काफी घुल मिलने लग जाती है। और उसको बाद में पता चलता है जो इस क्रिएचर की लाइफ है वो जो गवर्नमेंट है और उसमें काम करने वाला बायोलॉजिस्ट है उसके हाथ में है। तो ऐसे ये फिल्म की कुछ स्टोरी है। तो इस फिल्म का आखिर नाम क्या है? तो इस फिल्म का नाम है द शेप ऑफ वाटर, जिसको डायरेक्ट किया है गुइलेर्मो डेल टोरो ने। और इसमें स्टारिंग है सैली हॉकिंस, माइकल शेनन, रिचार्ड जेंकिंस, डो जोन्स, माइकल स्टुलबर्ग, ऑक्टेविया स्पेंसर। इस मूवी ये मूवी रिलीज हुई थी 31 अगस्त 2017 को वेनिस में और दिसंबर 1 2017 को यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के अंदर। इस फिल्म का बजट था $19.5 मिलियन और इसने कमाए थे बॉक्स ऑफिस पर $130.9 मिलियन। और इस मूवी को प्रोड्यूस किया था गुइलेर्मो डेल टोरो ने और जे माइल्स डेल ने। तो ये थी कुछ डिटेल्स द शेप ऑफ वाटर बेस्ट पिक्चर ऑफ 2017 इन ऑस्कर कैटेगरी। नेक्स्ट है बेस्ट एक्ट्रेस। बेस्ट एक्ट्रेस की नॉमिनीज हैं यहां पर हम देखेंगे। बेस्ट एक्टर्स के लिए जो नॉमिनीज हैं वो है फ्रांसिस मैकडॉर्मेंड मूवी थ्री बिलबोर्ड आउटसाइड एबिंग मिसौरी, सैली हॉकिंस द शेप ऑफ वाटर, मार्गरेट रॉबी मूवी आई टोनिया के लिए, सेवरिस रोनन लेडी बर्ड के लिए और मेरिल स्ट्रीप मूवी द पोस्ट के लिए। तो यहां पर टोटल नॉमिनीज थी 5 और जो बेस्ट एक्ट्रेस चुनी गई है ऑस्कर अवार्ड में वो है फ्रांसिस मैकडॉर्मेंड। और कौन सी मूवी में इन्होंने काम किया है जिनके लिए इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस चुना गया है? तो इन्होंने मूवी में काम किया है थ्री बिलबोर्ड्स आउटसाइड एबिंग मिसौरी। तो बेस्ट एक्ट्रेस फ्रांसिस मैकडॉर्मेंड। नेक्स्ट है कैटेगरी बेस्ट एक्टर मेल। बेस्ट एक्टर के लिए जो नॉमिनीज थे वो हैं गैरी ओल्डमैन मूवी डार्केस्ट आवर के लिए, टिमोथे कैलमेट कॉल मी बाय योर नेम मूवी के लिए, डैनियल डे ल्यूइस मूवी फैंटम थ्रेड के लिए और डैनियल कोलुआ मूवी गेट आउट के लिए और डेंजल वाशिंगटन रोमन जे।
यहां पर जो बेस्ट एक्टर चुना गया है वो है गैरी ओल्डमैन मूवी डार्केस्ट आवर के लिए। नेक्स्ट है हमारी कैटेगरी बेस्ट डायरेक्टर। बेस्ट डायरेक्टर के लिए जो नॉमिनीज थे वो थी द शेप ऑफ वाटर मूवी के लिए गुइलेर्मो डेल टोरो और डंकिर्क मूवी के क्रिस्टोफर नोलन, गेट आउट मूवी के जॉर्डन पीले, लेडी बर्ड मूवी के ग्रेटा गेरविंग और फैंटम थ्रेड मूवी के पॉल थॉमस एंडरसन। तो यहाँ पर बेस्ट डायरेक्टर का जो ऑस्कर अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है गुइलेर्मो डेल टोरो को, जिन्होंने मूवी डायरेक्ट की है द शेप ऑफ वाटर। नेक्स्ट कैटेगरी है बेस्ट एनिमेटेड फिल्म। बेस्ट एनिमेटेड फिल्म का जो अवार्ड कौन सी मूवी को मिला है, तो नॉमिनीज इसके लिए कौन कौन से थे, नॉमिनीज थे इसके लिए मूवी कोको, द बॉस बेबी, द ब्रेड विनर, फर्डिनेंड, लविंग विंसेंट एंड बॉबिन। तो बेस्ट एनिमेटेड फिल्म का अवार्ड दिया गया है मूवी कोको के लिए। सो बेस्ट एनिमेटेड मूवी है फिल्म कोको। नेक्स्ट है ओरिजिनल सॉन्ग। ओरिजिनल सॉन्ग के लिए जो नॉमिनीज थे वो हैं रिमेंबर मी मूवी कोको से, माइटी रिवर फ्रॉम मडबाउंड और मिस्ट्री ऑफ लव फ्रॉम कॉल मी बाय योर नेम, स्टैंड अप फॉर समथिंग फ्रॉम मार्शल और दिस इज मी फ्रॉम द ग्रेटेस्ट शो मैन। तो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का विनर ऑस्कर अवार्ड है वो है रिमेंबर मी। रिमेंबर मी कौन सी मूवी का है, कोको मूवी का। नेक्स्ट है आपका सिनेमेटोग्राफी। सिनेमेटोग्राफी के लिए जो नॉमिनीज थे वो थे ब्लेड रनर 2049, रॉजर डीकिंस और ब्रूनो डेल्बोनेल मूवी डार्केस्ट आवर के लिए, होयटी वैन होयटेना मूवी डंकिर के लिए, रैशल मॉरिसन मडबाउंड के लिए और डेन लॉस्टन शेप ऑफ वाटर के लिए। तो बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड मिला है मूवी ब्लेड रनर को, जो कि किसको दिया गया है, रॉजर डीकिंस को। नेक्स्ट है आपका ओरिजिनल स्क्रीन प्ले। ओरिजिनल स्क्रीन प्ले की मैं बात करता हूं तो इसके विनर है मूवी गेट आउट के जॉर्डन पीले। नेक्स्ट है कैटेगरी फिल्म एडिटिंग की। तो बेस्ट फिल्म एडिटिंग का अवार्ड मिला है मूवी डंकिर्क को और ये अवार्ड मिला है ली स्मिथ, इसके विनर है। विजुअल इफेक्ट की बात करते हैं तो मूवी ब्लेड रनर 2049 के लिए जॉन नेल्सन, पॉल लैम्बर्ट, रिचर्ड आर हूवर और गैड नेफजर को ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट कैटेगरी की बात करूं सपोर्टिंग एक्ट्रेस की, तो सपोर्टिंग एक्ट्रेस में मूवी आई तोनिया के लिए मिला है एलिसन जेनी को। और सपोर्टिंग एक्टर की मैं बात करूं तो मूवी थ्री बिलबोर्ड आउटसाइड एबिंग मिसौरी के लिए अवार्ड मिला है सैम रॉकवेल को, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का ऑस्कर। फॉरेन लैंग्वेज फिल्म की बात करूं तो विनर रही है द फैंटास्टिक वुमेन चिली की, ये मूवी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉस्ट्यूम डिजाइन की। कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए जो बेस्ट अवार्ड मिला है मार्क ब्रिज को मूवी फैंटम थ्रेड के लिए। मेकअप एंड हेयर स्टाइलिंग की बात करें तो मेकअप एंड हेयर स्टाइलिंग में बेस्ट अवार्ड मिला है काजू हीरो तसुजी डेविड मेलिनवॉस्की लूसी सिबिक को मूवी डार्केस्ट आवर के लिए। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट आपकी कैटेगरी ऑस्कर 2018 की। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ।